प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें यह सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के चरणों में आ सकें, और जिस महान बात को प्रभु ने इस पृथ्वी पर आरंभ किया हम उसकी कड़ी हैं, और जिस बात को प्रभु ने आरंभ किया वो कुछ और नहीं, वो एकलेसिया चर्च, उस पेंटिकोस के दिन जिसका आरंभ हुआ वो आज तक है। सारी दुनिया में प्रभु ने जो है हमारे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा एजुकेशन क्या है, तुम्हारी पोस्ट क्या है, तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारा पैसा क्या है, और कितनी जायदाद है, कितने मकान, कितनी लैंड और कितने सोना चांदी, कितनी एफडीआई, ये नहीं पूछा। ये भी नहीं पूछा तुम्हारा कलर क्या है, किस देश से हो। प्रभु ने उस हर व्यक्ति को जिसने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा किया उसे अपना बेटा और बेटे बनाया, और बदले में क्या करो, उसके अंदर अपना आत्मा दिया कि एक दिन जब वो स्वयं आएंगे ये सब पृथ्वी पर से जो लोग हैं वो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है मिल पाएंगे। और जिसकी संज्ञा प्रभु को दूल्हे के रूप में और इस चर्च को दुल्हन के रूप में, और जो है बाइबल में जो है इसका आरंभ जो है हुआ इस पेंटिकोस के पर्व के बाद, इस दिन से जो आरंभ हुआ वो सिलसिला आज तक जारी है, वो सिलसिला आज तक जारी है। और जो हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं वो है प्रेरितों के काम की पुस्तक का दूसरा अध्याय 37 आयत से आगे। सो यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें, प्रेरितों के काम की पुस्तक दूसरा अध्याय पद 37 से आगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए इस मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। सो 3,000 लोग प्रभु के पास आए, 3,000 लोग प्रभु के पास आए, और ये आरंभ हुआ। 120 लोग, 11 से आरंभ हुआ था 120, 3,000 और आगे आया है 5,000 लोग, और फिर सारा विश्व, सारा विश्व। आज हम उसके गवाह हैं, आज हम उसके गवाह। सो ये वो महत्वपूर्ण चीज जो प्रभु ने उस समय आरंभ करी जो आज तक विद्यमान है, आज तक विद्यमान। सो बाइबल इस विषय में और क्या कहती है, आए मेरे साथ अध्ययन करें। सो दोस्तों ये वो महत्वपूर्ण घटना जो उस दिन हुई और जिसका परिणाम जो है 120, फिर 3,000, फिर 5,000, और आज दुनिया के छोर तक ये बातें पहुंच गई। और यरूशलेम जो है यहां से जो आरंभ हुआ, जिसने फिर चेलों ने आगे बढ़ाया, और प्रभु का अनुग्रह जो है जब प्रभु यीशु का लहू लोगों के अपराधों को
माफ कर रहा था। तो लोगों को इस बात का अनुभव हुआ कि मोक्ष क्या होता है, नजात क्या होती है, उद्धार क्या होता है। और ये अनुभव आज भी है, ये अनुभव आज भी, ये हुआ कब से था, ये वो पेंटिकोस के दिन से आरंभ हुआ, ये वो पेंटिकोस के दिन से आरंभ हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और उनके स्वर्गारोहण के बाद यह सुसमाचार, प्रभु ने कहा था कि ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आए तब तुम सामर्थ पाओगे, और फिर पृथ्वी के छोटक यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोटक मेरे गवाह हो। और ये बातें जो है आरंभ हो गई, ये बातें जो है आरंभ हो गई। और 12 चेलों के बाद साउल, फिर पौलुस, सब जगह सारी दुनिया में जो है इस सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को ईमानदारी से, सच्चाई से, परमेश्वर पिता की आत्मा की अगुवाई में सब लोगों पर बताने लगे। और ये घटना जो हुई कि लोगों के हृदय छिद गए, ये एक बार नहीं, ये आज तक जारी है। लोगों के हृदय बदलते जा रहे, लोगों के हृदय बदलते जा रहे। और जो है वो परमेश्वर ने न सिर्फ जो है यहूदियों के लिए, वरन अन्य जातियों के लिए भी, अन्य जातियों के लिए भी जो है रास्ते खोल दिए, जिसका वर्णन वो कर्नेलियस के घर से आरंभ हुआ, 10वां अध्याय इसी प्रेरितों के काम में, जिसे हम आगे कभी देखेंगे। और जो है ये अन्य जाति लोग भी परमेश्वर की इस कलीसिया में जो है मिलाए गए, और सारी दुनिया से लोग जो है प्रभु के पास आने लगे, क्योंकि ये जीवित अनुभव जो है कथा कहानियां नहीं थी, ये आज भी जीवित है, ये आज भी जीवित है। और कोई भी व्यक्ति इसे अपने अंदर जो है महसूस कर सकता है, जान सकता है, वो आप भी हो सकते हैं। किसी भी धर्म के आप क्यों ना हो, किसी भी धर्म के आप क्यों ना हो, यदि आपकी तलाश ईमानदारी से, सच्चाई से, सच्चे ईश्वर की ओर है, तो मैं आपको बोलूं आपकी मंजिलें प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती। आप एक दिन जरूर इस सत्य को जान जाएंगे जिसका आरंभ यरूशलेम से हुआ, फिर आसपास के क्षेत्रों में, और आज जो है सारी दुनिया में। और जो चर्च शब्द है वो एकलिसिया, जहां लोग इकट्ठा होते थे, उसे कहा जाता था। और ये पुराने नियम में भी इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पुराने नियम में भी जो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, और फिर मत्ती रचित सुसमाचार में, जहां लोग इकट्ठा होते थे वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल होता था, एकलेसिया, एकलेसिया। और जो बाद में जो है चर्च के रूप में जाना गया, चर्च के रूप में जाना गया, और आज जो है उसके विषय में कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, लेकिन इसकी प्रोग्रेस एकलेसिया से चर्च के रूप में समय के हिसाब से होती रही। और जो आरंभ हुआ वो पेंटिकोस के दिन से, वो आज तक चर्च का एक्सपांसन हुआ,
फिर चर्च यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और फिर पृथ्वी के छोर तक, और आज हम सब इसके गवाह हैं। देखिए, ये यरूशलेम, ये यहूदिया और फिर ये सामरिया और पृथ्वी के छोर तक, और भारत में भी प्रभु का दास थम आया था, हम सबको मालूम है। उसकी मृत्यु भी यही हुई, और जो है ये वो टाइमलाइन, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, फिर उनका गाड़ा जाना, उनका पुनरुत्थान, वो 40 दिन, 40 दिन के बाद प्रभु का स्वर्गारोहण, और फिर 10 दिन बाद पेंटिकोस्ट और चर्च का निर्माण जो आज तक जारी है, और जैसा हमने देखा कि सारी दुनिया में, जो है प्रभु के लोग, और उस समय यरूशलेम में ये जो है देशों के लोग इकट्ठा थे, जो यहूदी थे वे यहां से आए रहे थे और यरूशलेम में इकट्ठा थे ये, हाँ, और यहां से वो चर्च आरंभ हुआ जो आज सारी दुनिया में पूरी रीति से, पक्की रीति से फैल। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे और समझने में हम सबकी सहायता मदद करे। आए दुआ में अपने सर को झुकाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि खुदावंत आपने जिसकी प्रतिज्ञा करी वो आपने इस पृथ्वी पर स्थापित भी करा, और एकलेसिया वो चर्च प्रभु आज आपके द्वारा स्थापित है, सारी दुनिया में जो है आपको मानने वाले पाए जाते हैं। और प्रभु चाहे मनुष्य किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, उसे बनाया तो आप ही ने, और यदि वे ईमानदारी से, सच्चाई से सच्चे परमेश्वर की तलाश में रहते हैं, उनकी मंजिलें प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हैं, ऐसा आपका वचन भी कहता है। सो प्रभु आपने ये दया हम पर करी और हमारे अंदर निवास करते, जो कलीसिया का निर्माण आरंभ हुआ वो आज तक कंटिन्यू है। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.